पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पुलिस ने 5 दिन पहले हुई व्यापारी के ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया है। इस वारदात को ड्राइवर के दोस्त और उसकी बीवी ने मिलकर अंजाम दिया था। शराब पिलाने के बाद दोनों ने उसका गला घोट दिया। इसके बाद उसके शव को मोक्ष धाम की झाड़ियों में डाल गए थे। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि व्यापारी के ड्राइवर गौरव निवासी राजा का सीकरी थाना फैजगंज बहटा जिला बदायूं की हत्या उसी के दोस्त अमित कुमार उर्फ बॉबी निवासी बनियाठेर संबल और उसकी बीबी कुसुम ने मिलकर की थी, जबकि लाश को ठिकाने लगाने में ई रिक्शा चालक सोनू उर्फ जयवीर शामिल है। ये 1 सितंबर को सुबह मजोला थाना क्षेत्र में जो लोको सेल पुल के पास में साई हॉस्पिटल के पीछे एक शमशान है उसके पास झाड़ियों में सुबह एक शव की सूचना हम लोगों को मिली थी। एक शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँची और हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँची थी और उस समय जो व्यक्ति था उसकी गौरव पुत्र देवेंद्र ये राजा की सीकरी थाना फैजगंज बहटा जिला बदायूं इसके रूप में इस मृतक की पहचान हुई थी और उसके परिजनों के द्वारा थाना मजोला पर एक अज्ञात में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ब्लाइंड केस था क्योंकि तो पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास और मेहनत की गई। इसमें आसपास के जो भी सीसीटीवी थे हो सकते थे जो संभावित रास्ते थे वहाँ तक उसको ले जाने के उन सबको देखा गया और इसके अलावा इसके जो मिलने वाले लोग थे इसकी फ़ोन कॉल डिटेल्स थी उन सबको खंगाला गया और काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी और पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।